पहले लेते हैं संन्यास, फिर करते हैं वापसी का प्रयास। पहली बार नहीं हो रहा ऐसा, पाक खिलाड़ी हर बार करते हैं ऐसा। पाकिस्तान क्रिकेट में संन्यास लेना और उसे वापस लेना आम बात है, तो वहीं अब इस लिस्ट में मोहम्मद आमिर का नाम जुड़ गया है। जी हाँ, कुछ ही दिन पहले संन्यास का ऐलान करने वाले आमिर ने वापसी का मन बना लिया है, लेकिन उन्होंने वापसी के लिए शर्त रखी है। क्या है वो, आइए देखें। हमारे भारत में कहावत है, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान में इसका कुछ उल्टा ही है। वहाँ वचन देने के बाद याद आता है, अरे क्यों कर दिया, क्या कर दिया। ये बात पाक क्रिकेटर्स पर सटीक बैठती है। पाक के खिलाड़ियों का हाल पहले से ही ऐसा है कि वो संन्यास का ऐलान करते हैं और उसके बाद खेल में वापसी का मन बना लेते हैं। तो वहीं इस कड़ी में अब पाक के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर का नाम जुड़ गया है, जिन्होंने बीते दिनों ही क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया था। खबरें आ रही हैं कि वो क्रिकेट में वापसी करना चाहते हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। आमिर ने टीम मैनेजमेंट के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए एक वीडियो जारी किया था और इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की जानकारी दी थी। तो वहीं अब वो वापसी करना चाहते हैं। आमिर ने पीसीबी के सामने शर्त रखी है। ये पहला ऐसा मौका नहीं है जब पाक के किसी क्रिकेटर ने संन्यास लिया हो और उसके बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की हो। आपको बता दें कि कौन कौन ऐसे खिलाड़ी पहले ऐसा कर चुके हैं। इमरान खान ने साल 1987 में क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया था, उसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति जिया उल हक के कहने पर वापसी की। इसके बाद जावेद मियांदाद इस लिस्ट में शरीक हुए, संन्यास का ऐलान किया लेकिन बेनजीर भुट्टो के कहने पर 10 दिन बाद वापसी कर ली। मोहम्मद अफरीदी तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से कई बार संन्यास का ऐलान करने के बाद वापसी कर चुके हैं। और अब इस फहरिस्त में सबसे नया नाम जुड़ने वाला है मोहम्मद आमिर का, जो अपने बयान से पलटने जा रहे हैं और वापसी का मन बना रहे हैं। जैसा कि पाक के पूर्व खिलाड़ी कितनी बार कर चुके हैं,